कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के दो साबिक वज़राए आला के खिलाफ मुबैना तौर पर बदउनवानी की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ज़राए के मुताबिक किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसहरा पर छापे के दौरान महकमा सेहत का बकाया रिकॉर्ड चेक किया गया, जहां अद्वियात और सामान की खरीदारी में करोड़ों रुपए की बाकायदगियों के शवाहिद मिले हैं। नैब साल 2016 से 2023 तक अद्वियात की खरीदारी और सालाना बजट की तहकीकात कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में अद्वियात और दीगर सामान की खरीदारी में बेजाब्तगियों के शवाहिद मिले हैं। करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में जबकि लाखों रुपए अद्वियात के लिए रखे गए हैं। नैब ज़राए का कहना है कि दो साबिक वज़राए आला के दौर में अस्पताल के लिए सामान, भर्तियों और कोरोना में अस्पताल होने के लिए खरीदे गए सामान के हवाले से तहकीकात भी की जा रही हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा।